हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, गुड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पाठ दो पढ़ेंगे। पाठ दो का नाम है मिलकर खेलो। यह एक कहानी है। यह कहानी एक परी की है। परी एक दिन धरती पर आती है तो वो धरती पर कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक उदास बैठी लड़की पर पड़ती है। तो परी उसे पूछती है कि तुम क्यों नहीं खेल रही हो सबके साथ? तो वो कहती है कि मुझे तो घर पर खेलने वाले खेल ही ज्यादा पसंद है, मुझे बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता है। फिर जब परी उसे समझाती है तब सारे बच्चे परी की बात सुनने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तो बच्चों, हम भी सुने कि परी उसे क्या समझाती है। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। पार्ट टू, मिलकर खेलो। परियों की एक रानी थी। उसे नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब जो रानी थी उसे आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उसे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आई। मतलब परी तो आसमान में रहती है, तो एक दिन वह बच्चों से मिलने धरती पर आती है। वहाँ संभव, अंकित, विशाल, सेजल, खुशी व आस्था पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। ये सारे बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। आप भी खेलते हो ना ये खेल? उसी तरह से सारे बच्चे वो खेल खेल रहे थे। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रही थी। अनोखा मतलब एकदम अलग। परी दूर से ही इस अनोखे खेल को देख रही होती है। कभी अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने दूसरे साथियों को आवाज सुनकर पकड़ता, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ती। तो कभी इस खेल में अंकित अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता और दूसरे साथियों को उसकी आवाज सुनकर पकड़ता था, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ती। साथी का मतलब होता है दोस्त। इस खेल में आंखों पर पट्टी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोस्तों को किस तरह से पकड़ा जाता है? तो उनके कदमों की आवाज सुनकर या तो फिर उनके मुंह से जो बोलने की आवाज आती है वो सुनकर पकड़ा जा सकता है। परी को यह खेल देखने में बहुत आनंद आ रहा था। आनंद का मतलब होता है मजा। यह खेल देखने में परी को बहुत ही मजा आ रहा था। अभी उसकी नजर उदास बैठी जयश्री पर पड़ी। एक लड़की थी जिसका नाम था जयश्री। वो उदास बैठी हुई थी तो परी की नजर उस पर पड़ती है। मतलब कि परी उसे देखती है। परी उसके पास गई तो परी यह जानने के लिए उसके पास जाती है कि वो क्यों उदास है, वो क्यों नहीं सारे बच्चों के साथ खेल रही है। परी को देखकर जयश्री बहुत हैरान हुई। हैरान का मतलब होता है आश्चर्यचकित। सामने परी को देखकर जयश्री बहुत ही हैरान हो जाती है कि सच में यह परी है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने परी खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में उसके सामने कोई परी खड़ी है। जयश्री ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा। आंखों को मलना उसका मतलब होता है कि आंखों को रगड़ना। तो जयश्री अपनी आंखों को रगड़ते हुए पूछती है, क्या तुम परी रानी हो? परी बोली, हाँ हाँ मैं परी हूँ, पर तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? जयश्री बोली, परी रानी मुझे कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता है, बाहर खेलना नहीं। तो जयश्री की क्या समस्या थी? उसे सिर्फ कंप्यूटर पर खेलना या तो फिर टीवी देखना ही अच्छा लगता था। ऐसे सारे बच्चों के साथ बाहर खेलना उसे पसंद नहीं था। परी धीरे से मुस्कराई। तो परी धीरे से हंसती है, फिर बोली, जयश्री कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज ही खेलती हो, एक बार सबके साथ बाहर खेलकर तो देखो, बाहर खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। तो परी उसे समझाती है कि जयश्री कंप्यूटर पर तो तुम अकेले घर में हर रोज खेलती हो, एक बार सबके साथ बाहर खेलकर तो देखो, सारे बच्चों के साथ बाहर खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। जयश्री ने कहा, पर ऐसा क्यों परी रानी? जयश्री परी की बातों को समझ ही नहीं पाती है, इसलिए परी से सवाल पूछती है कि ऐसा क्यों परी रानी। तब तक सभी बच्चे परी को देखकर वहां आ गए। तो सारे बच्चे परी को देखते हैं, इसीलिए वो उसके पास आ जाते हैं। वे भी परी की
बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। उत्सुक का मतलब होता है जानने की इच्छा। उन सारे बच्चों को भी परी की बातें जानने की इच्छा थी। तब परी ने कहा, बच्चों, वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम केवल अकेले खेलते हैं, जबकि पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार आदि खेल में एक से अधिक लोग खेलते हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है कि जैसे कि वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम घर में अकेले खेल सकते हैं, लेकिन पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार और इसके अलावा और भी कई सारे खेल हैं। उन खेलों को खेलने के लिए हमें एक से अधिक लोगों की जरूरत रहती है, वो हम अकेले नहीं खेल पाते हैं। ये खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ खेलते हैं मिलकर, तो ये सारे खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। इन खेलों से हमारे शरीर और दिमाग का विकास भी होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का मतलब है तंदुरुस्त। अगर हम दूसरों के साथ मिलकर खेलते हैं या घर से बाहर जो खेल खेलते हैं उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जयश्री ने कहा, परी रानी, मैं अब से सभी खेल खेलूंगी, मतलब कि घर के अंदर और घर के बाहर सबके साथ सभी खेल खेलूंगी। जयश्री की बात सुनकर परी बहुत खुश हुई। जयश्री की ये सारी बातें सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। परी ने सभी बच्चों को चॉकलेट और उपहार दिए। उपहार का मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट। तो परी सारे बच्चों को चॉकलेट और उपहार देती है, फिर उन्हें खूब प्यार किया और आसमान में चली गई। अगले दिन से जयश्री शाम होते ही अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने लगी। अगला दिन यानी कि दूसरे दिन से ही जयश्री शाम होते ही अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने आ जाती है। अब पकड़म पकड़ाई का खेल उसका प्रिय खेल बन गया। जो खेल सारे बच्चे रोज खेला करते थे, वो पकड़म पकड़ाई का खेल अब जयश्री का प्रिय खेल बन गया था। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहर दूसरों के साथ खेले जाने वाले खेल आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, और सबके साथ मिलकर खेलने से हमारे शरीर और दिमाग का भी विकास होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह कहानी रीड करनी है और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।